हेलो फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग जल्दी रिटायर होना चाहेंगे ताकि आप अपनी जवानी, एनर्जी और फ्रीडम का मजा ले सके? क्या फाइनेंशियल रिटायरमेंट आपको वो करने की फ्रीडम देता है जो आप अपने पैसों से करना चाहते हैं? दोस्तों, रिटायर यंग रिटायर रिच बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के गरीब डैडी, जो उनके रियल डैडी भी थे, अक्सर एडवाइस देते थे, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, सेफ नौकरी खोजो, कड़ी मेहनत करो और पैसे बचाओ। वे कुछ दूसरी फेमस लाइन भी दोहराते थे, जैसे ना तो कर्ज दो ना कर्ज लो, और चवन्नी बचाने का मतलब है चवन्नी कमाना, या अगर तुम किसी चीज का खर्च नहीं उठा सकते तो उसे मत खरीदो, हमेशा कैश पेमेंट करो। गरीब डैडी की जिंदगी काफी अच्छी रही होती अगर वे अपनी ही एडवाइस पर चले होते, लेकिन कई लोगों की तरह वे कहते तो सही थे लेकिन सही काम करते नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने मकान और कार खरीदने के लिए उधार लिया। उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया क्योंकि वे हमेशा कहते थे इन्वेस्टमेंट करना डेंजरस है। इसके बजाय वे पैसे बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन हर बार इमरजेंसी सिचुएशन आने पर वे अपनी सेविंग में से पैसा बाहर निकाल लेते थे। वे उन चीजों के लिए उधार लेते थे जो उन्हें और गरीब बनाती थी, और वे उन चीजों के लिए पैसे उधार लेने से इनकार कर देते थे जो उन्हें अमीर बना सकती थी। इसी तरह के अंतर से उनकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा। जिंदगी भर इसी तरह सोचने और अपने पैसे का मैनेजमेंट करने के कारण वे 65 साल की एज में रिटायर नहीं हो पाए क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। इससे ये भी क्लियर होता है कि उन्हें तब तक काम क्यों करना पड़ा जब तक कि कैंसर के कारण वे इतने बीमार नहीं हो गए कि काम ना कर पाए। उन्होंने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और लाइफ के आखिरी 6 महीनों में वे कैंसर वार्ड में अपनी जिंदगी के लिए जूझते रहे। वे एक अच्छे मेहनती इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत करने, कर्ज से बचने और पैसे बचाने की कोशिश में गुजार दी थी, और उन्होंने जिंदगी व पैसे के बारे में लोगों को भी यही सबक सिखाने की कोशिश की थी। दोस्तों, दुनिया में मोस्टली लोग इसी तरह के होते हैं। वहीं ऑथर के अमीर डैडी उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे। उन्होंने ऑथर को अलग एडवाइस दी और पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने का तरीका सिखाया। वे इस तरह की बातें कहते और पूछते थे, नंबर 1, $1 million बचाने में आपको कितना टाइम लगेगा? फिर वे पूछते थे, $1 million उधार लेने में आपको कितना टाइम लगेगा? नंबर 2, लॉन्ग टर्म में कौन ज्यादा अमीर बनेगा, वो इंसान जो जिंदगी भर $1 million बचाने की कोशिश करता है, या वो इंसान जो 0% इंटरेस्ट पर $1 million कर्ज पर लेता है और इसे 25% प्रॉफिट पर इन्वेस्ट करने का तरीका जानता है? नंबर 3, बैंक किसे पैसे उधार देगा, उसे जो पैसे के लिए कड़ी मेहनत करता है, या उसे जो जानता है कि पैसा कैसे उधार लेना है और जो पैसे से अपने लिए सेफ और इंटेलिजेंट तरीके से काम करवा सकता है? नंबर 4, आपको क्या बनना होगा और क्या जानना होगा ताकि आप अपने बैंकर से फोन पर कहें, मैं $1 million उधार लेना चाहता हूं, और ये सुनकर आपका बैंकर कहे, मैं 20 मिनट में सारे पेपर्स तैयार करवा देता हूं, आप उन पर साइन कर दें? नंबर 5, सरकार आपके सेविंग पर टैक्स लगाती है लेकिन फिर कर्ज में रहने के लिए टैक्स में छूट दे देती है, आखिर क्यों? नंबर 6, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्मार्ट और एजुकेटेड किसे होना चाहिए, उस व्यक्ति को जिसके पास $1 million की सेविंग है, या उस व्यक्ति को जिस पर $1 million का कर्जा है? नंबर 7, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्मार्ट कौन है, वो व्यक्ति जो पैसे के लिए कड़ी मेहनत करता है, या वो व्यक्ति जो पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाता है? नंबर 8, अगर आपके पास अपनी एजुकेशन चुनने का ऑप्शन हो तो क्या आप ये सीखने के लिए स्कूल जाएंगे कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत कैसे की जाए, या फिर आप स्कूल में ये सीखना चाहेंगे कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए? नंबर 9, ऐसा क्यों है कि बैंकर रियल स्टेट में दांव लगाने के लिए आपको खुशी खुशी पैसे उधार दे देते हैं, लेकिन शेयर बाजार में रिस्क लेने के लिए उधार देने में झिझकते हैं? नंबर 10, जो लोग सबसे कड़ी मेहनत करते हैं और सबसे ज्यादा सेविंग करते हैं, वे उन लोगों से ज्यादा टैक्स क्यों देते हैं जो कम काम करते हैं और ज्यादा उधार लेते हैं? दोस्तों, यहाँ आपके लिए एक वार्निंग्स और कॉशंस है। ये वीडियो आपको पैसे उधार लेने और कर्ज में गले तक डूबने के बारे में नहीं है। हालांकि ऑथर का मानना है कि कर्ज के जरिए से आप जल्दी अमीर बनकर रिटायर हो सकते हैं,
जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात की थी। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि कैसे करना है तो आप सेफ ऑप्शन अपना सकते हैं। तो लिवरेज एक तरह का पावर है और पावर का सही इस्तेमाल किया जा सकता है और गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है या उससे डरा जा सकता है। हमें कर्ज को भरी हुई बंदूक मानना चाहिए और बहुत सावधानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। भरी हुई बंदूक की तरह ही कर्ज भी आपकी मदद कर सकता है या आपकी जान भी ले सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है। जिस तरह आप हर तरह की बंदूक को खतरनाक मानते हैं, उसी तरह आप हर तरह के कर्ज को भी खतरनाक माने। ऑथर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक बार उनकी वेबसाइट पर एक युवक ने लिखा था कि उसने अभी अभी अपनी नौकरी छोड़ दी है, बहुत से क्रेडिट कार्ड ले लिए हैं और बहुत गहरे कर्ज में डूबकर रियल एस्टेट खरीद ली है। उसने लिखा था, मैं आपकी एडवाइस पर चल रहा हूँ और अच्छे कर्ज में गहराई तक डूब रहा हूँ। इस पर ऑथर का कहना है कि सबसे पहली बात ये, वो कभी किसी को सलाह नहीं देते कि वो रियल एस्टेट खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करे। अगर आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है तो आपको कैपिटल जुटाने के लिए इतने डेंजरस प्लान की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेकर रियल एस्टेट या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ऑथर इसकी एडवाइस कभी नहीं देते हैं क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेकर रियल एस्टेट खरीदते हैं और दिवालिया हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन लें और ये सीखिए कि समझदारी से कर्ज का इस्तेमाल कैसे करना है। हालांकि इस वीडियो की शुरुआत कर्ज बनाम इक्विटी से की हुई थी, लेकिन ये बुक सिर्फ कर्ज के बारे में नहीं है। ये बुक का एक ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर है जो हर उस व्यक्ति के लिए अहम है जो जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहता है। दोस्तों, पैसे की दुनिया में दो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स कैश फ्लो और लिवरेज है, जिनके बारे में आगे के वीडियो में बात करेंगे। ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई हैं, जो डिटेल में सिखाती हैं कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।